Hey guys, welcome back to another tech news video and आज भी मैं आपके लिए काफी कमाल के टेक अपडेट्स लेके आ चुका हूँ, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हम बढ़ते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। इस पहली खबर को लेकर Motorola G34 5G इंडिया में 9 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा एंड स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो कन्फर्म हो चुका है। स्नैपड्रैगन 695 के साथ जो ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। यस आई नो ये जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना है, तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग जो हमें इसकी प्राइस भी देखने को मिले। Asus ROG Phone 8 ये स्मार्टफोन जो है इंडिया में 8 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा एंड ग्लोबली भी जो है इसी डेट पे जो हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा CES 2024 में। स्मार्टफोन में जो है 5500 mAh का जो हमें बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है, बाकी फोन तो काफी कमाल का है। IQ Neo 9 Pro स्मार्टफोन जो गाइस ऐसा लगा था इंडिया में जो हमें जनवरी में देखने को मिल जाए, बट ऐसा नहीं है, ये स्मार्टफोन जो हमें इंडिया में फरवरी मंथ में देखने को मिल सकता है एंड यहां पे कहा ऐसा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जो हमें अंडर 40,000 जो है अवेलेबल हो जाएगा। OnePlus S3 स्मार्टफोन के साथ जो गाइस OnePlus Buds 3 भी लॉन्च हो चुके हैं एंड इसमें जो 10.4 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, 49 dB का जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, IP55 का रेटिंग है एंड बात करें प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो चाइना में 499 जो सेट हो चुके हैं युआन में, अगर हम इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 5800 यहाँ पे निकल के आती है। पोको X6 एंड X6 Pro दोनों ही स्मार्टफोन जो गाइस 11 जनवरी को लॉन्च हो जाएंगे, बट इसके लॉन्च के पहले इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो लीक हो चुका है यहाँ पे पोको X6 5G स्मार्टफोन का। इसके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डुअल टोन डिजाइन है स्मार्टफोन का, ग्लास बैक है, स्क्वायर शेप जो है रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, 8+8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड 8 मेगापिक्सल का जो हमें सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में अवेलेबल हो जाता है। काफी कमाल का स्मार्टफोन है, अभी देखते हैं जब ये लॉन्च होगा तो हमें किस प्राइस लेवल पे मिलता है। सोनी के वायरलेस हेडफोन जो गाइस लॉन्च हो चुके हैं जिसका नाम है फ्लोटरन WIOE 610 करके एंड ये खास करके जो है स्पोर्ट्स के लिए बनाए हैं, मतलब यहाँ पे जो भी रनर्स एंड एथलीट्स होते हैं उनके लिए जो ये काफी बढ़िया है, जिसमें 16 mm के जो हमें ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, बेस काफी है इसका एंड यहाँ पे जो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें इंडिया में तो इसकी प्राइस है वो 10,990 रुपीज से जो स्टार्टिंग है। सैमसंग गैलेक्सी A35 स्मार्टफोन के जो गाइस रेंडर जो है ऑनलाइन लीक हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ये 3 कलर जो है स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे एंड इसमें जो है 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड में एंड फ्रंट में जो है 13 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है। अगर आप देखो सारे ही सैमसंग के अभी जो नए स्मार्टफोन है हमें जो एक कॉमन डिजाइन इसमें देखने को मिलता है, नया कुछ नहीं है बट स्मार्टफोन जो है काफी कमाल का है। Redmi Note 13 सीरीज जो गाइस इंडिया में लॉन्च हो चुकी है एंड 10 जनवरी से MI.com एंड Flipkart पे जो हमें परचेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा एंड अभी हमने पिछले टेक न्यूज में जो देखा था उसकी प्राइस वगैरह, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये स्मार्टफोन का जो पहला मॉडल है Redmi Note 13 5G स्मार्टफोन ये हमें अंडर 20K जो अवेलेबल हो सकता है। कैमरा किंग Vivo का X100 एंड X100 Pro ये दोनों ही जो गाइस इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं एंड यहाँ पे जो Vivo का X100 Pro स्मार्टफोन है इसका जो 16+512 GB वाला वेरियंट है इसकी जो प्राइस है वो 89,999 जो सेट हो चुके एंड यहाँ पे Vivo का जो X100 स्मार्टफोन है इसका जो 12+256 GB वाला वेरियंट है इसकी जो प्राइस है वो 63,999 जो सेट हो चुकी है। Realme 12 सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme 12 Pro एंड 12 Pro Plus ये दोनों स्मार्टफोन की जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग Realme का जो 12 Pro स्मार्टफोन है इसमें हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 32+8 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में जो है 16 मेगापिक्सल का जो हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं Realme के 12 Pro Plus की, तो यहाँ पे जो मेन कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में जो है 32 मेगापिक्सल का जो हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है एंड ये जो कैमरा सेटअप है वो बैक साइड में जो है सेंटर में हमें देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में जो है पंच होल डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन में। आज के लिए बस इतने ही टेक अपडेट्स है गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।